जोरदार हेउछि मिशन गंगा अभियान। एही अभियान रे आजि आउ 229 जना छात्र छात्री भारत फेरछन्ती। रूस युक्रेन युद्ध मध्यरे एही छात्र सेठारे फसि रहितले। कोनोसी भी परिस्थिति रे छात्र छात्री माने युक्रेन छाडी पड़ोसी देश आसिबा परे सेमानंकु भारत सरकारंक पक्षरु मिशन गंगा अधीनरे स्वदेश अणा जाउछि। एही क्रमरे इंडिगोरो एक विमान रोमानियारु दिल्ली फेरिछि। सेहीपर एयारफोर्सर अन्य तीन विमान रे 639 जना भारतीयंकु स्वदेश अणा जाइछि। रोमानिया स्लोभाकिया और पोलांड्रु एही भारतीयंकु अणा जाइछि। स्वदेश फेरिबा परे छात्र छात्री और तांक परिवार बेस भाववियोळ होइथिबा विमान बंदर रे देखिबाकु मिलिथिला। सुरक्षित भाबे देश फेरिथिबारु छात्र छात्री माने केन्द्र सरकारंकु धन्यवाद जणाइथिले। तबे संपर्कित अधिक सूचना देबे आम सहित फोन इन रे जोडी जोडी होइछंती प्रोफेसर सीताकांत मिश्र आम सहित जोडी होइछंती। श्रीजुत मिश्र आपणंकु कार्यक्रमकु स्वागत करूछि। तबे आजि दशम दिन रे पहुँचिछि रूस और युक्रेन रो युद्ध समस्यार कोनोसी बाटो बाहरुनी। से परिप्रेक्षीरे भारत सरकारंक पय एक चैलेंज सृष्टि करिछि भारतीय मानंकु किभळि भाबे स्वदेश सुरक्षित फेराइ आनिबा। श्रीजुत मिश्र धन्यवाद। एटा डेफिनेटली गोटे बहुत डिफिकल्ट समय भारत पाई समग्र विश्व पाई मध्य आहुरी जहाँ जना पड़ी ए युद्ध जदियो गोटे निर्णायक परिस्थिति रे पहुंचले आनी दस दिन हैला कठोरतार सहित युक्रेन तार युद्ध जारी रखी जहाँ वर्तमान सूचना मिलूची कि कीव तार जो कैपिटल टाक रशिया बारंबार आक्रमण आरंभ कर तेणु हुए तो किसी दिन भितर दिने दु दिन भितर यार निर्णायक परिस्थिति आसीज आई परिप्रेक्षी गोटे भल सूचना मिलूची कि थर्ड राउंड टॉक रशिया युक्रेन भितर बोध हुए हबार सूचना मिलूची तो तेणु हुए तो किसी युद्ध विरति सीज फायर सरेन्डर किसी कथबार्ता चलो आउ एही समय जेतेबेले युद्धर घनघटा लागि रहिछि भारत पई गोटे बहुत बड़ एटा चैलेंज जे तार आहुरी 2-3 हजार जो लोक भी अच्छा भारतीय मैंने अच्छा जोठी जो मैंने अच्छा केमती स्थानातरण करिवो एटा भारत पई जदियो बहुत गोटे चैलेंज किंतु मोदी सरकार ताकु सुचारू रूप से सुगठित भाव में जो गंगा मिशन आरंभ कर सफल तो डेफिनेटली सफल होती आउ एही मिशन आगु जारी रहिवो। भारत जेहेतु गोटे न्यूट्रल कंट्री से चाहूँ शांति आनिबा पई दिजन को भितर देखा जाउ को पर्यंत जाउची सारा विश्व बर्तमान से वॉच भी करुची परमाणु ऊर्जा जो प्लांट गुड़ाक अंडर अटैक अच्छी आईएए र बैठक चलती मत लगुच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गोटे आपातकालीन मीटिंग हवाक जाऊँगी तेणु बहुत किसी डेवलपमेंट हूँ भारत ताकि निहाती भाव में तनखी करी सजग रहा निहाती दरकार। निहाती प्रोफेसर मिश्र मोर एक प्रश्न रहिबो जहाँ रूस मीडिया दाबी करुछि युक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की देश छाड़ी पलाइछन्ति किंतु युक्रेन रो मीडिया याकु खंडन करुछि बा युक्रेन देश याकु खंडन करुछि या पछर कारण कोन थाई परे देखंथि जेतेबेले युद्ध आरंभ हुए प्रथम कैजुअलिटी होउछि सत्यता सत्य कौन आम कहीं जापरबानि कारण इंटरनेट फ्लो खराब रोच द्विपक्षर विड़ाटुणा चली तेणु सतटा कौन आम जाना मुस्किल होदियों युक्रेन अथॉरिटी माने खंडन कर जेलेंस्की कड़े जाइना से यही अच्छा हुए तो लुचि थे बंकर भितर थे कारण जीवन को थ्रेट अच्छी मुझे रखे चाहिए किसी दिन पूर्व अमेरिका गोटे अफर देता जेलेंस्की को पलि जाए युक्रेन छाड़ी अमेरिका को किंतु जेलेंस्की कहले ना मुझे देशभक्त मुझे जीवन मुझे मरवि तेणु मत लगुनि जेलेंस्की पलि जाए कड़े हुए तो सी बंकर रे लुचि थे कि नेक्स्ट स्ट्राटेजी कौन प्लां करुवे तो किंतु किसी भी हो पारे युद्ध समय कह असंभव किंतु डेफिनेटली रशिया जेलेंस्की को जीवन पछरे पड़ी और जेलेंस्की एंटायर रशिया रशिया लोक मान जीवन पछे पड़ी युद्ध समय किसी भी हो पारे निहाती भावे प्रोफेसर मिश्र आपण जहाँ सूचना देउथले तबे प्रोफेसर मिश्र जहाँ देखा दौची माने सेठारे जो बोमा एवं गुड़ी फुटा जाऊँगी भारतीय छात्र छात्री को मध्य मृत्यु होची तबे युक्रेन रे एभली व्यवहार पूर्वर देखा दे नथिला काहेकि एभली व्यवहार करुछंती युक्रेन बासी एवं युक्रेन पुलिस जदि कहबा एक वीडियो मध्य सोशल मीडिया रे वायरल होता ट्रेन मध्य को छात्र छात्री को पुराई दिया जाऊना सेठारे तांको ठेला पेला करा जाउची एहार कारण कोन थाई पारे जाति संघ रे भारत युक्रेन सपक्ष रे वोट दे नथिला एहा एक कारण थाई पारे कि आपण युद्धकालीन परिस्थिति हूँ गोटे अलग परिस्थिति सामान्य परिस्थिति नुहे जत युद्ध आरंभ हो जाए तापर कह कंट्रोल रुहनी किए केमती व्यवहार करियो आम जाने जो सैन्य दल से माने रास्ता को ओहलांती से काम हूँ केवल मारवा दमन करवा भल व्यवहार उपेक्षा करवाटा भी ठीक हबनी युद्ध जेहेतु गोटे बहुत घनघटा अवस्था पहुंची
ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ନାହିଁ, ଯିଏ ବି ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହଉଛି, ଚାଇନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ହେଇଛି, ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ କିଛି ମରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଢାଲ ବନେଇକି କିଛିଟା ଅପପ୍ରଚାର ଏବଂ କିଛିଟା ଦମନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛିଟା ଇଭାକୁଏଟ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହମତି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ କରିଡର ଦେଇକି କେମିତି ସିଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଲାଟ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହବ, ଏଟା ଯଦିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା। ତେବେ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର, ଯଦି କହିବା ଯେତେ ବୈଠକ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଏବଂ ନାଟୋର ମଧ୍ୟ କାଲି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନି ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ? ଏଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଯେଉଁଟାକି ରଷିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ୟୁକ୍ରେନ, ଯଦିଓ ୟୁକ୍ରେନ ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ ଓ ନେଟୋ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରିଗର ନେସନ ଆମେରିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ରାଇଭାଲି ବା ସୁପର ପାୱାର ୱାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ୟାର ଅନ୍ତଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ। ଯେତେ ବି ବୈଠକ କର, ଯୋଉ ବି ହାଇ ଲେବଲର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେବଲରେ, ସେଇଠି ରଷିଆ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ୱାରରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ବା ବନ୍ଦ କରିବା, ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ୱାର୍ଲଡ ଲେବଲ। ଆମେରିକା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ବି ୱାର୍ କରିଛି, ତାକୁ କେହି ରୋକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ରଷିଆ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାର ମନଇଚ୍ଛା କରିବ, ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନ ସରେଣ୍ଡର କରିବ ବା କି ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ଯେତେବେଳେ ଦମନ ହେଇଯିବ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ ବନ୍ଦ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ ସେତେବେଳେ ରୁଷ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିରାମ ଲଗାଇବ, ଏବଂ ମିଶନ ଗଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଉ 238 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।